नागरिकता कानून को लेकर हल्द्वानी में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खुलकर आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इंदिरा हृदयेश से सवाल किया कि इंदिरा बताए कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है या हिंदुस्तान की, और इसी के चलते उन्होंने इंदिरा हृदयेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्हें देशभक्ति की भाषा सीखने की जरूरत नहीं। तो ये पलटवार करते हुए इंदिरा हृदयेश ने जवाब दिया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुझे देशभक्ति की भाषा नहीं सीखनी है। मेरे पिता देश की आज़ादी की लड़ाई के नायक रहे और गांधी की डांडी यात्रा में चोटिल होने से उनकी मृत्यु हुई थी, और गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में उनका नाम लिख रखा है कि पाठक जी मेरे अनन्य मित्रों में से एक थे। मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनके परिवार का कौन व्यक्ति देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ा, देश के लिए उनके घर का कौन व्यक्ति कुर्बान हुआ, इसलिए वो देशभक्ति का पाठ हमें ना पढ़ाए। को या कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि जो पाकिस्तान बोल रहा है उनको वही भाषा बोलनी है या हिंदुस्तान की भाषा बोलनी है। ये लोग क्षुद्र राजनीति के लिए, इंदिरा जी हों या कोई भी जो इसके प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि CAA में खराबी क्या है जिसके कारण किसी अल्पसंख्यक को कोई नुकसान पहुंच रहा है, उनको ये बताना चाहिए। अन्यथा ये अंधी दौड़ जो है ये राज्य को नुकसान पहुंचाएगी। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग उत्तराखंड में अशांति फैलाना चाहते हैं उन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे।